पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान रेलवे ने भी किराए बढ़ाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3 से 5% तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लगेज वैनों और माल गाड़ियों के किरायों में भी 5% इजाफा मुतवक्के है। रेलवे के ज़राए ने बताया है कि किरायों में इजाफे से मुतालिक बाकायदा सरकारी हुक्मनामा 18 सितंबर को जारी होने का इम्कान है। रेलवे हुकाम का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे से रेलवे पर अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 3.5 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। कीमतें बढ़ने से एक माह के दौरान 18.5 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। वाज़ह रहे कि 16 अगस्त और 1 सितंबर को भी रेलवे की जानिब से ट्रेनों के किराए बढ़ाए गए थे। दोनों बार मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5-5% इजाफा किया गया, जबकि 1 सितंबर को मालबरदार ट्रेनों के किरायों में भी 5% इजाफा किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।